हेलो एवरीवन, मेरा नाम जसवंत सिंह और मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में ट्रैक्टर मैकेनिक का ट्रेनर हूं और आज का टॉपिक है टॉर्क रेंच। आज हम आपको बताएंगे टॉर्क रेंच को कैसे यूज किया जाता है, इसकी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं लैब में। अभी हम आपको बताएंगे टॉर्क रेंच के बारे में। जी तो टॉर्क रेंच बहुत प्रकार के होते हैं। मेन जो टॉर्क है चार प्रकार के, टॉर्क रेंच जो है चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्लिक टॉर्क रेंच, नंबर दो बीम टॉर्क रेंच, और नंबर तीन डायल टॉर्क रेंच, और नंबर चार डिजिटल टॉर्क रेंच। लेकिन अभी हमारे जो पास है ये है क्लिक टॉर्क रेंच। ये देखिए, सबसे पहले हम इसको साइज के बारे में बताते हैं। ये अलग अलग साइज के मार्केट में उपलब्ध है और इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए इसका साइज लिखा हुआ है 3 से 14 kg, लिखा 3 से 14 kg तक लिखा हुआ है, और 25 से 135 न्यूटन मीटर में है, और 20 से 100 pound पर फिट में है, और 250 से 1200 pound पर इंच में है। तो ये इसका था साइज। और अब हम चलते हैं इसको सेट कैसे किया जाता है। ये देखिए इसके ऊपर यहाँ पे रीडिंग रहती है। देखिए ये देखो न्यूटन मीटर में है, केजी में है, पाउंड और फुट में है, पाउंड इंच में है। तो इसी प्रकार इसके चार रीडिंग लिखी रहती हैं, जिसमें भी आप सेट करना चाहते हो कर सकते हो। तो चाहे न्यूटन मीटर सेट कर लो, किसी भी तरीके से आप सेट कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं इसको हम सेट कैसे करना है। तो एग्जाम्पल के तौर हम बता रहे हैं कि आपको इस टॉर्क रेंच को 8 kg पे सेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको, ये देखिए ये लीवर है, इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए ये बाहर हो गया, इसको फिर 90 डिग्री हम ऐसे बेंड कर लेंगे। उसके बाद इसको हम आगे और पीछे दोनों तरफ को घुमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने रीडिंग कम करनी है या बढ़ानी है। तो हमने इसको अभी 8 kg पे के ऊपर सेट करना है। ये देखिए ये हमारा 8 kg यहाँ पे लिख रहा है। जी 10 kg है, 9 kg है, और ये 8 kg है। देखो अब इसको धीरे धीरे इसको घुमाएंगे। ये देखिए ये देखिए ये हो गया हमारा 8 kg के ऊपर सेट। ये देखिए 80 न्यूटन मीटर के पास आ गया और केजी जो है 8 पे सेट है।